Hello, today we are going to learn how to operate SSES.appliance system. This video is intentionally made with the consideration of future users. So now onwards, this video will be narrated in Hindi. तो आइए देखते हैं SSES.appliance.com को कैसे अपडेट किया जाए. सबसे पहले आप ब्राउजर पर क्लिक कीजिए. ब्राउज़र पे क्लिक करने से आपका ये ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको SSES.appliance.com लिखना है. उसके बाद आपको एंटर करना है. एंटर करने से आपको ये मेन लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी, जहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है आपका खुद का नेम डॉट सरनेम वाला ईमेल आईडी @ssees.com के साथ एंटर करना है. यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड, जो कि आपको कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर के पास लेना पड़ेगा, वो लेना है और उसे एक जगह पे लिख के आप अपने पास सीक्रेटली रख दीजिए. फिर आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है. लॉगिन पे क्लिक करने के बाद तुरंत आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी. यहाँ पे आप अपना नाम देख सकते हैं, जो कि आपका अकाउंट है ये मेंशन कर रहा है. दूसरी बात, अगर ये एकेडमिक एक्टिविटी अगर नहीं है तो आप इस टीचर पोर्टल पे से टीचर्स पोर्टल सिलेक्ट करेंगे, वहाँ से एकेडमिक एक्टिविटी आ जाएगी. फिर आपको अगर कुछ नहीं है स्क्रीन पे तो आपको इस प्लस साइन पे क्लिक करना है, जहाँ से आपको सेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा. सेशन जो भी ईयर आपका होगा, करंट ईयर, वो सिलेक्ट कीजिए. फिर वापस यहाँ पे प्लस पे आप क्लिक कीजिए. उसके बाद क्लास सिलेक्ट कीजिए. यहाँ पे आप अपना क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं. वापस सेक्शन जो आपका सेक्शन आप टीच कर रहे हो, ए, फिर से प्लस, असेसमेंट, कौन से असेसमेंट के लिए आप एंटर करना चाहते हो मार्क. सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं FA3 ले रहा हूँ. और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे आप यहाँ से उसको स्क्रॉल कर सकते हैं और आपको डायरेक्टली आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं. और फिर वापस आप एक बार प्लस करेंगे तो अगर कुछ है एक्टिविटी टाइप हो, लेकिन सिर्फ आपको अगर सब्जेक्ट का मार्क एंटर करना है, उसके बाद आपको राइट क्लिक पे क्लिक करना है. राइट मार्क पे क्लिक करने से आपको ये वाला जो स्क्रीन है वो दिखाई देगा. यहाँ पे आपको ड्रॉप सेशन पे क्लिक करके हर एक एक्टिविटी जो कि आपकी ऑलरेडी प्री एंटर है वो आपको दिखाई देगी. अगर आप उसको राइट साइड क्लिक करेंगे तो आपकी एक्टिविटी का नाम यहाँ पे दिखाई देगा. उस एक्टिविटी के ऊपर इस डाउन एरो से क्लिक करके आपको एंटर स्टूडेंट रिजल्ट में जाना है. उसके बाद यहाँ पे आपको एंटर रिजल्ट पे क्लिक करना है. तो ये आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके नाम यहाँ पे देखने के लिए आ जाएंगे. कभी भी एंट्री करने से पहले खास एक बार यहाँ पे सेव का बटन एक्टिव है कि नहीं और अवेलेबल है कि नहीं वो चेक कर लीजिए. उसके साथ यहाँ पे आपको आपके मार्क्स एंट्री करने हैं. जैसे ही आप लास्ट एंट्री तक जाओगे फिर आपको सेव कर देना है. सेव करने के बाद वापस आपको ये स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी. तब जाके आपको वापस कैंसिल करना है और लास्ट में फिर से आपको अपना अकाउंट लॉग आउट कर देना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.